माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। राजू बेटा पीठ दिखाकर जा रहा है, लेकिन चेहरा उसी वक्त दिखाना जब उन कमीनों का मुख कफन से ढक देना। यह नामुमकिन है। आप तो जानती हैं कि यह फन मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। अब मैं नहीं चाहता है कि इस फन का हथियार किसी मां की कोख को उजाड़ दे। उस मां की कोख तो उजड़ चुकी है ठाकुर साहब, और ये बदनसीब भाई अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए खुद मौत के सफर पे निकल चुका है। ठाकुर साहब, मैं राजू को आपके पास सिर्फ इसलिए लाई हूँ कि अगर आप इसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रख दें तो ये बेवकूफों की तरह मरने की बजाय बहादुरों की तरह उनका मुकाबला कर सके। ठीक है, मैं इसे सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजू से मिलने यहां कोई नहीं आएगा। राजू से मिलने कोई न सही, लेकिन एक बेटी अपने बाप से मिलने तो आ सकती है। आ सकती है, लेकिन कभी कभी। अरे कुछ नहीं, चलो जाने न पाए, दोनों में से एक कम अज कम आए। अब तुम आई एम रेडी, गो। राजू मुझसे नहीं होगा बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटे, ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो लाल बिहारी और उसके आदमियों ने तुम्हें दिया। याद करो उस दर्द को जो सरेआम बेइज्जत होते वक्त तुम्हारी बहन ने महसूस किया होगा, वो दर्द जो आज तक तुम्हारी मां के कलेजे में नासूर बनकर टीते मार रहा है। Seven.
ट्रिपल टर्न साइड सीजन कैटली बैक टर्न बैक टर्न ट्रिपल पंच मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं वो पैर पैतरा फन की आखिरी कड़ी है और तुम्हारी तालीम की आखिरी सीढ़ी। फर्ज करो लड़ाई के दौरान अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाए तो तुम अपने सामने खड़े हुए दुश्मन को उसके कदमों की आहट से और उसके वार को हवा के रुख की काट से पहचान सकते हो। अब मैं वार कर रहा हूं, अंदाजा लगाओ कि वार किस तरफ से हो रहा है। अंदाजा लगाओ, कोशिश करो, ध्यान दो, बचो, बचाओ। क्या बात है बेटे, पिछले दो हफ्तों से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन ये तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? बाबा अगर आप इजाजत दे तो मैं राजू को सिखाने की कोशिश करूं। लड़की तुम इसे सिखाओगी तो नहीं बल्कि इसके ध्यान को भटकाने की कोशिश करोगी। आग और मोम एक साथ नहीं रह सकते। बाबा मेरी मोहब्बत मोम नहीं, सब्र का वो फौलाद है जिसे कोई आग पिघला नहीं सकती। अरे ये क्या? राजू इस पायल की आवाज को पहचानने की कोशिश करो, कहां से आ रही है? की आग जो वासना का धुआं उगल रही है, फूंक डालो शोलों में औरत की मर्यादा और अपनी शराफत को भटका दो मुझे मेरे मकसद से। राजू ये तुम्हारा इम्तिहान था, इस बेचारी ने तो अपनी हथेली पर आग रखकर अपने सब्र का इम्तिहान दे दिया था। आजमाइश तो तुम्हारी होनी थी बेटे, मुझे खुशी इस बात की है कि तुम अपनी आजमाइश में कामयाब रहे।
क्या जवानी है तेरी। अबे चल हट। कहाँ जाएगी तू? मेरे अजी उठाना बस्ती वालों। देखो इस हरामजादे को और पहचानो रावण के इस सैनिक को। तुमने मेरी बहन की बर्बादी का नजारा तो देखा था, अब इसकी मौत का तमाशा भी देखो। मामा जी, इसको कहे को मार दिया? अरे तो अपना ही आदमी था ना। इसे हरामजादे ने मारा है जीवा को। जीवा से इसके बहुत खटापटी थी। बिहारी जी, ये भी तो हो सकता कि किसी और ने मारा हो। और कोई मार ही नहीं सकता दुर्योधन, क्योंकि वो जौन पैतरे से मरा हो पैतरा हमारी स्कूल का है और ये ससुराऊ पैतरा बहुत अच्छी तरह जानता था। लाल बिहारी बुढ़िया, ये कहां है मिट्टी फेंक के गंदा कर रही है सब? ये मिट्टी नहीं, मेरी बेटी की चिता की राख है और मैं इसे इसलिए यहां बिखेर रही हूं ताकि इसमें तभी मेरी बेटी की आंखों की चिंगारियां तेरी इस पाप की नगरी को जलाकर भस्म कर दे। वाह भैया वाह। हंसो, जितना हंस सकते हो हंस लो, क्योंकि तुम लोगों की जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। लाल बिहारी, तू और तेरा एक एक आदमी मौत के करीब आता जा रहा है। आज तेरे एक आदमी को मारकर मेरे बेटे ने कामयाबी की पहली सीढ़ी बना ली है और वो इसी तरह लाशों की सीढ़ियां बनाकर एक दिन तेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। बचकुंदा हमारी गर्दन तक पहुंचेगा? वो तो बेचारा पालने में सो रहा है। ये तेरी भूल है लाल बिहारी। इस वक्त मेरा बेटा तूफान में पल रहा है और याद रख, जो तूफान में पलता है वही दुनिया बदलता है। अब बात हमारी खुपड़िया में आई। हमरे दुश्मन को बाबा ठाकुर पाल रहा है, हमने उसे जिंदा छोड़ दिया कि वो अपने अपाहिज बेटे की लाश उठा उठाकर खुद ही मर जाए, मगर वो अब तक जिंदा है, अब जिंदा नहीं रहेगा। राजू कहाँ है? कौन सा राजू? कौन राजू है तुझे नहीं पता? अरे भैया, शराफत से नहीं ना बताएगा, तनी वो अपना पुलिस पैतरा दिखाओ। बहुत कठोर जान। हाँ।